नमस्ते सत श्री अकाल सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, हम यहाँ चेक करेंगे सेप्टेम्बर 1st to 15 आपके राशिफल, आपके जोडियक साइन में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या 15 डेज में आपके जीवन में क्या परिवर्तन, क्या बदलाव एक्सपेक्टेड हैं, कौन से न्यू ब्लेसिंग्स आएगी, क्या रिसीव करोगे आप और क्या आपको चेंज करना चाहिए, इस टाइम के हिसाब से हम इसको चेक करेंगे। सो हम चेक कर रहे हैं सितंबर मंथ, और सितंबर मंथ होता है नंबर नाइन जो होता है वो अपने आप में एक बहुत पावरफुल नंबर है। इतना पावरफुल नंबर है कि एक ऐसा नंबर है जिसमें कि आपको पूरी यूनिवर्स का सपोर्ट मिलता है। एक ऐसा नंबर है। तो अगर आपका जन्म किसी भी मंथ के 9, 18 या 27 तारीख को होता है तो आपको एक एनर्जी आपको सपोर्ट करती है, आपका ऐसा फील होता होगा। सो ये अपने आप में ही एक बहुत पावरफुल नंबर है, ठीक है। सो सितंबर का मंथ जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी यहाँ पे एक्टिव होती है, और क्योंकि ये साल का जो टोटल है वो 8 है, सो नंबर 8 और 9 का कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे, जहाँ पे आपके कर्मा इस टाइम आपको कंप्लीशन देंगे। जो भी आप कर्मा कर रहे थे वो एक कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, आपको ये समझ में आएगा। और एक कंप्लीशन, एक प्रॉस्पेरिटी, एक हैप्पीनेस आपको फील होगी, एक सुप्रीम पावर की एक एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है, आपको ये फील होगी। रास्ते आपको खुलते हुए दिखेंगे, जो रास्ते बंद थे ब्लॉकेजेस हटते हुए दिखेंगे, और एक कंप्लीशन आपको फील होगा इस मंथ। ये एक ऐसा मंथ है, ठीक है। सो एक कंप्लीशन वाली एनर्जी इस मंथ में ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे आप। जो भी कार्मिक साइकिल चल रहे थे या फिर जो भी चीज़ें चल रही थी आपके लाइफ में, वो एक कंप्लीशन की तरफ जा रही है, आपको ये समझ में आएगा। और क्योंकि 9-9 का पोर्टल भी है, सो 9-9 के पोर्टल की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें मिलने वाली है इस मंथ। सो इस बार हम नंबर 9 की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को हम रिसीव करने की कोशिश करेंगे इस टाइम, ठीक है। सो 15 डेज में आपके लाइफ में क्या बदलाव होने वाले हैं, आपकी राशिफल में क्या चेंज, क्या बदलाव, क्या परिवर्तन होने वाले हैं, हम इसको चेक करेंगे। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है इन 15 डेज में आपके लिए, कौन से नए डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए, हम ये चेक करेंगे। क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का, और सिर्फ हम प्रिडिक्शन ही नहीं करेंगे बल्कि हम गाइडेंस भी देखेंगे, और क्या इस बार सरेंडर करना चाहिए आपको इन 15 डेज में, हम ये भी देखेंगे, क्योंकि सरेंडर वाला टाइम आ रहा है, इसलिए सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। सो हमें क्या सरेंडर करना है, हम ये भी चेक करेंगे इस बार। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ढेर सारा प्यार दें वीडियो को, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। आपके प्यार, सपोर्ट और ब्लेसिंग्स ही मुझे मोटिवेट कर रहा है इतने सारे वीडियोज़ बनाने के लिए, इतना काम करने के लिए। थोड़ी सी हेल्थ डाउन है मेरी, लेकिन फिर भी आपका प्यार और आपका सपोर्ट, आपकी ब्लेसिंग्स ही मुझे ताकत दे रही है। सो वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, वीडियो पसंद आती है तो उसमें कमेंट करें, रेजोनेट करती हैं चीज़ें तो वापस आएं और कमेंट करें, मुझे बहुत खुशी होगी। और अपनों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। सो अब जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि हमें कैसे देखना है। सो आपको अपनी सन, मून, राइजिंग के अकॉर्डिंग देखना है, जैसे कन्वीनियंट हैं आप, जैसे अपनी राशिफल को आप चेक करते आए हैं वैसे देखें। मैं कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके डिटेल्स, जो कलेक्टिव में डिटेल्स होते हैं, उनको डाल दूँ, ताकि आप अगर अपनी राशिफल को नहीं जानते हैं तो अपने नाम के अकॉर्डिंग या फिर अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग अपनी राशिफल को आप जान पाएँ, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे पिछले बार कि हम कैसे देखें, हमें अपना राशि नहीं पता है। सो मैं ट्राई करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कलेक्टिव में जो डिटेल्स चलते हैं उनको डालने का, फिर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी राशि क्या है। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय डियर कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग अगर आपकी मकर राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। हम चेक कर रहे हैं 1st September to 15th September आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में उनके साथ, और उसके बाद हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ आपकी। वैन प्लीज़ गाइड मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1st September to 15th September, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, प्लीज गाइड माई डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के टूवर्ड्स क्या होंगे 1st September to 15th September, डिवाइन प्लीज गाइड।
प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, मोर टाइम प्लीज. जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, 1 सितंबर टू 15 सितंबर डिवाइन. तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. दिख रहा है मुझे यहाँ पे यस. नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 9, 10, 7, 10, 2, 4 एंड 10. ओके, अगेन 10-10 की एनर्जी है. सो कुछ एक साइकिल कंप्लीट और यू नो एक नई साइकिल का स्टार्ट होना मुझे ऐसा दिख रहा है. सो ओवरऑल लाइफ में आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए, रात में बहुत ज़्यादा सोचते विचार करते दिख रहे हैं. क्या सोच रहे हैं डिवाइन ये इंसान रात में? वन मोर टाइम प्लीज. या तो आपने इनको ब्लॉक किया है ये सोच रहे हैं, या फिर आपके साथ कैसे कोलैबोरेट करें ये सोच रहे हैं. अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो ये कैसे आपके साथ कोलैबोरेट करें या फिर कैसे कनेक्ट करें इसके बारे में ये इंसान सोच रहे हैं. और इतना सोच रहे हैं कि रात को नींद नहीं आ रही इनको, ऐसी नज़र दिख रही है मुझे. फीलिंग्स में ये इंसान जगल कर रहे हैं, क्या करें कैसे करें. बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, बहुत कनेक्ट करना चाहते हैं लेकिन कैसे करें इनको समझ नहीं आ रहा है. करें कि नहीं करें आपसे कनेक्ट ये भी नहीं समझ में आ रहा है. करना चाहते हैं कनेक्ट लेकिन फिर इनको यू नो पास की चीज़ें आ जाती हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनके चलते ये इंसान डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपसे कनेक्ट करें कि नहीं करें. टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इनके इंटेंशन में दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान खुशियाँ चाहते हैं. और मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये अपनी सिंगलहुड को इन्जॉय कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करना भी चाहते हैं और उसी में जगल कर रहे हैं. इनको समझ नहीं आ रहा कि ये आपसे कनेक्ट करें और अपने सिंगलहुड को ये ख़त्म कर दें या आपसे कनेक्ट नहीं करें और अपने सिंगलहुड को एंजॉय करें. सो ऐसी नज़र दिख रही है जहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं इंसान कि आपसे बात करना है कि नहीं करना है. आपको बहुत बैलेंस दिख रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि आपको डिवाइन बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम आगे बढ़ने के लिए. जहाँ आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हो, आपको ये इंसान ऐसा देख रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे ऑब्स्टिकल क्या है? दोनों ही वेट कर रहे हैं एक दूसरे का और दोनों ही इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, जो कि नहीं हो रहा है. आप उनसे चाहते हैं कि वो इंसान एफर्ट्स ले और वो आपसे चाहते हैं कि आप एफर्ट्स लो. दोनों ही दूसरे का वेट कर रहे हैं, जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे. माय गुडनेस, द लवर्स की एनर्जी है कि इंसान प्यार बहुत करते हैं आपसे, या फिर इस टाइम इनके मन में आपके लिए बहुत फीलिंग्स रहेगी, बहुत इंटेंस एनर्जी रहेगी, जहाँ ये चाहेंगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये चाहेंगे आपके साथ कनेक्ट करना. और जो भी एग्जॉक्शन इनको हो रहा है इस जर्नी में, वो चाहेंगे कि वो एग्जॉक्शन, वो जिम्मेदारी वो लें. ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है. सो ये इंसान मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं ताकि आप दोनों कनेक्ट कर सकें. मुझे ये इंसान एक्शन लेते नहीं दिख रहे हैं लेकिन मैनिफेस्ट ज़रूर करते दिख रहे हैं आपको. ठीक है, आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप बहुत एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में अपने ओवरऑल लाइफ में मल्टीटास्क कर रहे हैं. आप मल्टीटास्कर दिख रहे हो, आप मुझे बहुत ज़्यादा काम करते दिख रहे हो. फोकस अपने लाइफ में, अपनी ग्रो, अपने ग्लो, अपनी ग्रोथ, अपनी ग्लो पे है. ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी. हालांकि इस इंसान के साथ एक न्यू बिगनिंग आप ज़रूर चाहते हो. अगेन क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है, लेकिन आप चाहते हैं कि न्यू बिगनिंग तभी हो जब ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट को समझे या फिर आपकी वर्थ को समझे, आपके को वैल्यू करे, तब आप इनके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए रेडी हैं. सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप अपनी वर्थ इनको सिखाना चाह रहे हो, आप अपनी वर्थ इनको बताना चाह रहे हो, आपकी वैल्यू क्या है इनको सिखाना चाह रहे हो आप. ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है. इंटेंशन में आपके मैरिज है, स्टेबिलिटी है, जहाँ या तो आप इनसे मैरिज करना चाहते हो या फिर आप स्टेबिलिटी चाहते हो. आप ये चाहते हो कि सेम इक्वल गिव एंड टेक हो, सेम फीलिंग्स इमोशंस इनके मन में हो और तब जाके इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी. आप यू नो आपकी इंटेंशन ऐसी है. सो आप कहीं ना कहीं वेट करोगे ताकि इस इंसान को आपकी वैल्यू, आपकी वर्ड समझ में आए. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप इस इंसान से चाहते हो कि ये इंसान कॉल करे, मैसेज करे, ये एक नई शुरुआत करे, ये बात करे, ये एक्शन ले. आप इनसे ये सब चाहते हो. अब ये इंसान अगर पैशनेटली आपके पास आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तभी आप बात करोगे. जब आपको वैल्यू करेंगे, जब आपकी रिस्पेक्ट को ये इंसान समझेंगे, तब जाके आप इनके साथ आगे बढ़ोगे. मुझे ऐसा दिख रहा है.
ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है आपको? आपको लग रहा है कि एक लूप चल रहा है, हमेशा वही सेम लूप, वही चीज़ें रिपीट होती हैं बार 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 बार, और ये चीज़ें आपके लिए अब ऑब्स्टिकल है, इसलिए इस लूप को आप खत्म करना चाहते हो। अगर ये इंसान आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और हर बार ये यही करते हैं, तो इस बार आप इनको मौका नहीं दोगे ये करने का, इस बार आप उनको लेसन सिखाने वाले हो, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं डिवाइन को अपॉर्चुनिटी दे आपको, ताकि इस इंसान के साथ आप आगे बढ़ सके, लेकिन आपको वो अपॉर्चुनिटी यहाँ दिख नहीं रही है, जिसके चलते आप ओवरथिंक कर रहे हो। ठीक है, आप इनके साथ स्टेबिलिटी चाहते हो, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, और कुछ लोग मुझे यहाँ पे अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, चाहे वो किसी और पर्सन के साथ ही क्यों ना हो, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज एक ऐसे इंसान से हो जो कि आपको डिजर्व करता हो। सो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे मकर राशि वालों के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है मेरे मकर राशि वालों के लिए। टर्न प्लीज गाइड मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स की क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके क्रश के लिए क्या होंगे 1 सितंबर टू 15 सितंबर। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। क्या बात, सबके क्रश के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हैं 9, 4, 6, 4, 10, 10, 6, 5। ओके, मुझे लग रहा है कि ये इंसान दिल से चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना, ये इंसान, इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस लव, इंटेंस फीलिंग्स होगी इस टाइम पे, इंटेंस इमोशंस होंगे, जहाँ ये दिल से चाहेंगे आपसे कनेक्ट करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपको मैनिफेस्ट वगैरह भी करते दिख रहे हैं इंसान, ताकि आपसे कनेक्शन बिल्ड हो सके। अगेन थोड़ी सी कन्फ्यूजन दिख रही है यहाँ पे, कन्फ्यूजन क्या है, कन्फ्यूजन किस तरह से आपको प्रपोज करें, या फिर कब प्रपोज करें, या फिर आप क्या चाहते हो, आप इस रिश्ते में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें इनके थॉट्स में, इनके दिल में, इनके दिमाग में चल रही है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ ना, माई गुडनेस, आप साइलेंट मोड में रहना चाहते हैं, आप कुछ टाइम, मी टाइम आपको चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो पास का रिश्ता आपका इतना सही नहीं था, या फिर ये रिश्ता आपको थोड़ा सा एग्जॉस्ट कर रहा है, जहाँ पे आपको खुद के लिए टाइम चाहिए, हील करने के लिए टाइम चाहिए, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो आपको एक हीलिंग चाहिए, अगर आप पास के रिश्ते से बहुत एग्जॉस्ट हैं, तो आप इस इंसान से हीलिंग चाहते हो, या फिर आप खुद की हीलिंग करना चाहते हो, जहाँ आप थोड़ा सा अपने आप में बेटर फील कर सको। ठीक है, ये इंसान, इनके इंटेंशन में ऐसा है कि ये इंसान जब आपके साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये इक्वल गिव एंड टेक करना, या फिर बहुत एफर्ट्स लेना, या आपको हील करना, आपको खुश रखना, ये इंसान के इंटेंशन ये सारे हैं। और आपकी इंटेंशन ऐसी है कि आप अपने आप को हील करके आप ऐसा बनना चाहते हैं कि लोग आपको चेज़ करें। अब आप किसी और को चेज़ नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपको चेज़ करें, आपके पीछे आएँ और एफर्ट्स लें, आप ये चाहते हो। आप चाहते हो कि ये इंसान आपको एक ऑफर दें, एक प्रपोज़ल दें, और आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को समझें, आपको हाई प्रायोरिटी में ये इंसान रखें, आपकी इंटेंशन इस टाइम ऐसे है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? अगेन मुझे एक जो ऑफर देना है ना, वो इनके लिए ऑब्स्टिकल लग रहा है। मे बी इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, या फिर कुछ चीज़ें इनको रोक रही है, या फिर कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में है जो कि इनको रोक रही है, कुछ चीज़ें इनको रोक रही है, जहाँ पे ये बहुत इंटेंस फीलिंग्स की बात भी आप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, आपको ऑफर नहीं दे पा रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, और आपकी एनर्जी, आपके लिए ऑब्स्टिकल ये है कि आपको डर लग रहा है कि पास्ट की चीज़ें फिर से रिपीट ना हो, आप इन चीज़ों से डर रहे हो, इनसिक्योर हो, या तो पास्ट के रिश्ते आपके सही नहीं रहे हैं, जहाँ आपको डर लग रहा है कि ये रिश्ता भी आपका ख़राब ना हो। सो आपके लिए ऑब्स्टिकल ये है। मुझे इस इंसान के अंदर एक रिबर्थ होता दिख रहा है, जहाँ पे इनकी फीलिंग्स थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म होंगी और ज़्यादा, और ये इंसान आपको इस टाइम एक प्रपोजल दे सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, और आप मुझे बहुत ज़्यादा एग्जॉक्स दिख रहे हैं, जहाँ पे आप एकदम भी और स्ट्रेंथ आप में नहीं है कि आप इस रिश्ते की भार ले सके, या फिर इस रिश्ते में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। सो मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि आपका पास का कोई रिश्ता था जो कि इतना सही नहीं था, और आप एग्जॉक्स्ड हो गए हैं, जहाँ पे आप नहीं चाहते हैं कि और किसी रिश्ते में आप एफर्ट्स ले, आप ये चाहते हो आप एफर्ट्स नहीं लो, बस सामने वाला इंसान ही एफर्ट्स ले। लेकिन अगर ये मेंटालिटी आपकी रहेगी, तो सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा दिन तक एफर्ट्स नहीं ले पाएगा। हमेशा एक रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, जहाँ पे बैलेंस बनी रहे, है ना।
जैसे गाड़ी के दो पहिए बहुत ज़रूरी होते हैं साथ में चलने के लिए, अगर एक व्हील पंचर हो जाता है तो एक व्हील आपको नहीं लेके जा सकता है जहाँ मंजिल तक आप जाना चाहते हो, है ना। सो दोनों ही पहिए का साथ चलना और सही से चलना ज़रूरी होता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपने अपना हार्ट चक्र ब्लॉक किया है या फिर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ है पास्ट के कुछ रिश्ते से, पास्ट के कुछ इवेंट से या फिर पास्ट के कुछ इंसिडेंट से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ है, जहाँ आपको अपने हार्ट चक्र को ओपन करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है मेरे मकर राशि वालों के लिए। चैन प्लीज गाइड मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 1 सितंबर से 15 सितंबर, उनके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे और क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे मकर राशि वाले इन 15 डेज का। वन मोर टाइम प्लीज। स्टेबिलिटी, कॉशन, जर्नी, एंसेस्टर्स, अबंडेंस एंड माउंटेन्स, मैसेज की एनर्जी भी है यहाँ पे। सो नंबर्स जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 7, 16, 5, 6, 25 एंड 5। वाह, 7, 7, 6, 6 की एनर्जी यहाँ पे है। सो कुछ स्पिरिचुअल चेंज मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और एक चीज़ ये दिख रही है ना, पहले हम स्टेबिलिटी के बारे में बात करें। स्टेबिलिटी क्योंकि आपके मुझे अलाइनमेंट नहीं दिख रही है, स्पिरिचुअली आप ज़्यादा यू नो इंक्लाइंड नहीं हैं, जिसके चलते ऐसा हो सकता है कि आपके बाकी के डायमेंशंस जो है ना वो अलाइंड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज। क्यों यहाँ स्टेबिलिटी डिवाइन, कुछ एक या तो ऑफर आप चाह रहे हो या फिर कोई इन्वेस्टमेंट चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, या फिर आप कोई ऑफर चाह रहे हो किसी से, या फिर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करना, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है जहां पे आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप इस टाइम पे या तो लोन लेना या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट करना या फिर कुछ यू नो ऐसा कुछ दिख रहा है जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म अपने फाइनेंशियल स्टेटस को स्टेबल कर सके, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये कुछ लोग मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल होते दिख रहे हैं और चीज़ें अलाइंड होती दिख रही है, लेकिन मुझे ये अभी दिख रहा है। इतने दिन से अगर आपको कोई सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही थी या कोई नंबर्स रिपीटेड आपको दिख रहे थे तो आप उन पर फोकस नहीं कर रहे थे, लेकिन मुझे अभी इस टाइम पे आप उन सिंक्रोनिसिटीज़ पे फोकस करते दिख रहे हो, उस रिपीटेड नंबर को डिकोड करते दिख रहे हो और कहीं ना कहीं मुझे स्पिरिचुअल होते दिख रहे हो। जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो आपके बाकी के डायमेंशंस अलाइंड होते हैं, जो कि पास्ट में नहीं थी। मुझे अभी दिख रही है कि आप अलाइंड कर रहे हो अपने सारे डायमेंशंस को। ठीक है, जैसे हम स्पिरिचुअल होते हैं ना, तो इसका मतलब ये है ना कि जब हम स्पिरिचुअल होते हैं तो हमारे सोल की जो पावर है ना वो बढ़ती है, है ना, हम कॉन्शियसनेस में आते हैं। अभी हम कॉन्शियस नहीं है, है भी तो वो यू नो बहुत अनकॉन्शियसली ही हम जीवन जी रहे हैं, किसी चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल नहीं हैं और हमें समझ ही नहीं है कि हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा प्रीशियस है, ये सब हम कॉन्शियसली नहीं सोच रहे हैं। अब हमें मनुष्य का जन्म मिला है, हम जी रहे हैं इस टाइप का, है ना। इस टाइम में बहुत कॉन्शियस होकर ज़िंदगी जियोगे मुझे ऐसा लग रहा है, और अपने सारे डायमेंशन को अलाइंट कर रहे हो। तो जब आप कॉन्शियसली अपने लाइफ को जीते हो और यू नो कर्मा जो है वो कॉन्शियसली आप करते हो कि ये जो कर्मा मैं कर रहा हूँ इसका कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस मेरे पास ज़रूर आएगा, और उसको सोच कर अच्छे कर्मा आप कर रहे हैं तो रिजल्ट आपको डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे। सो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहां पे आप ये सारी चीजों को सोच के अलाइंड कर रहे हैं और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। स्टेबिलिटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहे हैं ऐसा हो सकता है। कुछ लोग नए बिजनेस को स्टार्ट करने में कुछ प्लानिंग वगैरह करते मुझे दिख रहे हैं, लोन वगैरह लेते मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोग कोई ऑफर किसी को देते हुए दिख रहे हैं या फिर ऑफर किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है,
सो कुछ लोग मुझे यहाँ पे मैरिज के लिए भी प्रिपेयर होते दिख रहे हैं और स्टेबल होना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, आपके करियर में मुझे कॉशन दिख रहा है जहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, ठीक है, थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। जब आपको चीज़ें खराब होंगी ऐसा लग रहा है तो और ज़्यादा अलर्ट हो जाइए। अगर कोई ऑफर इस टाइम मिल रहा है आपके जॉब में तो सोच समझ के उसको एक्सेप्ट करना है आपको, या फिर होगा ये कि आप एक्सेप्ट तो कर लोगे लेकिन आगे चल के वो चीज़ें आपके लिए इतनी सही नहीं हो सकती है जो ऑफ़र अभी आपको मिल रही है, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अगर आप कर रहे हैं या बहुत जल्दबाजी में अगर आप कोई फैसला ले रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना है और एकदम इम्पल्सिव होकर अगर इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो इस टाइम थोड़ा सा सतर्क रहें और थोड़ा सा और रिसर्च करें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी कि ये खतरनाक होने वाली है, ये एक्शन मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको अगर लेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है वो एक्शन। सो इस टाइम थोड़ा सा अलर्ट रहें अपने करियर, फाइनेंस और बिजनेस को लेकर। इस टाइम कुछ भी नई चीज़ करने के टाइम पर थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहें, या फिर कोई नए ऑफर्स के साथ थोड़ा सा अलर्ट रहें। अगर आपको कोई ये बोले कि आपका पैसा डबल करके वो दे देगा तो ऐसे ट्रैप्स में ना फंसें, ऐसे स्कैमर्स से दूर रहें, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो थोड़ा सा इस टाइम अलर्ट रहने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो आप, थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो और ये कंफ्यूजन साइकोलॉजिकल है, ठीक है, जहाँ आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं फंस गया, अब कैसे निकलूँ यहाँ से। सो ऐसा नहीं है, आँख खोलोगे तो निकल पाओगे। ये आँख बंद है ना, इनकी आँख बंद है, इनकी आँखें बंद है और ये जो है ना फंस गए, ऐसा लग रहा है कि फंस गए, यार हम तो ट्रैप्ड हो गए, हम तो फंस गए। फंसेंगे तब जब आँख बंद करोगे, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अलर्ट रहने के लिए, ठीक है। कुछ चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और मैनिफेस्ट वही चीज़ें आपको इस टाइम पे मिलती हुई आपको दिखेगी, ये इल्यूजन भी हो सकता है, थोड़ा सा सावधान रहें इस टाइम पे, ठीक है। आंखें खोल के रखें, जो आंखें आपने बंद करके रखी है ना उसको खोलने की ज़रूरत है। सो जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं और रिसर्च करें कि सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोई जॉब अगर है तो थोड़ा सा और पता कर लें जॉब के बारे में और उसके बाद उस जॉब को ज्वाइन करें, या फिर कोई बिज़नेस पार्टनर के साथ अगर आप डील कर रहे हैं या फिर कोई नई बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस टाइम में ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है आपकी करियर, बिज़नेस, फाइनेंस में अपनी स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। या फिर आपकी स्टेबिलिटी यहाँ पे हार्म हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, पैसों का लॉस होना या फिर क्राइसिस होना या फिर कुछ ट्रैप में फंसना, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है यहाँ पर। रिलेशनशिप यहाँ पर जर्नी की एनर्जी है और ओके, सो मुझे यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हैं, माय गुडनेस, एक ऑफ़र मिलता आपको दिख रहा है जो कि ऑफ़र छोटा सा है। ये ऑफ़र को लेके आप थोड़े से दुखी भी हो सकते हो कि यार ये क्या है, मैं ये तो नहीं सोच रही थी, ये तो नहीं सोच रहा था, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। जहाँ पे चीज़ें आपको मिल ज़रूर रही है, मतलब बहुत छोटी सी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, आप उसको लेकर इतने खुश मुझे नहीं दिख रहे हो, आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रहेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि सक्सेस सेलिब्रेशन आ रहा है। जो लोग मैरिज करना चाह रहे थे इस टाइम मैरिज का प्रपोजल वगैरह मिल सकता है या कमिटमेंट मिल सकता है, या छोटी सी कोई एक एनर्जी हो सकती है जो कि आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है, थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन चीज़ें सक्सेस की तरफ ही जा रही है। कुछ लोगों को अपनी जर्नी के बारे में इस टाइम पता लगेगा, मुझे ये लग रहा है कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, किसी स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में हैं, मुझे ऐसी राजी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज वगैरह अटेंड करेंगे, कुछ इवेंट अटेंड करेंगे जहाँ से कोई एक इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है अगर आप सिंगल हैं तो, और वो इंसान की जो एनर्जी है ना वो बहुत इमेच्योर एनर्जी होगी, बहुत बच्चों वाली एनर्जी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। मैच्योरिटी से रिश्ते को हैंडल नहीं करने वाले एक इंसान आपकी लाइफ में इस टाइम एंटर कर सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है सिंगल्स के लिए। जो मैरिड हैं उनके लाइफ में थोड़ी सी हार्मनी आ सकती है इस टाइम पर, घूमना फिरना इंजॉय करना ऐसा हो सकता है। सो मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो लव रिलेशनशिप या फिर फैमिली लाइफ या फिर रिश्ते आपके इस टाइम बेहतर हो सकते हैं, हार्मनी फील कर सकते हैं आप, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। या हेल्थ में मुझे एंसेस्ट्री की एनर्जी दिख रही है, ऐसा हो सकता है कि आपके लिनेज में कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई प्रॉब्लम इन द सेंस कि जैसे होता है ना डायबिटीज़, पापा को था, पापा के पापा को था, है ना। सो ऐसे कोई बीमारी जो कि आपके एंसेस्टर्स से चली आ रही हैं, ऐसी कुछ प्रॉब्लम इस टाइम आप फेस कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, मुझे आई एम सो सॉरी अगर ये रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती का रेजोनेट ना करवाएं अपने साथ। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम दिख रही है जो कि आपके एंसेस्टर्स से आपको मिली है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपके एंसेस्टर्स को भी वो प्रॉब्लम थी, मुझे ऐसा लग रहा है। एंसेस्टर्स का मतलब पितरों को, पापा को हो सकता है, पापा के पापा को हो सकता है, दादाजी, उनके दादाजी, ऐसी एनर्जी, ऐसी कोई बीमारी जो कि चलते आ रही है,
जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और इस टाइम पे ये थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है। अब ये कुछ भी हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट पेशेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए किडनी की प्रॉब्लम दिख रही है, ठीक है, सर कोई डायलिसिस वगैरह दिख रहा है मुझे किसी का, जो भी है ना उससे प्रॉब्लम बहुत हो रही है, तकलीफ बहुत हो रही है आपको, मुझे ये दिख रहा है। सो इस टाइम अपने वीनस की एनर्जी को स्ट्रांग करने की ज़रूरत है आपको, समझ रहे हो ना? कैसे करोगे वीनस की एनर्जी को स्ट्रांग? शुक्रवार को कोई वाइट चीज़ों का दान दे, एक तो ये करें, एक माँ लक्ष्मी की ऊर्जा से ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करें, और एक सोना ज़्यादा यूज़ करें, गोल्ड को यूज़ करें, फिंगर रिंग पहन ले या फिर चेन पहन ले, नहीं तो फिर गोल्डन वॉच पहन ले, कुछ ऐसे ऐसे चीज़ों का यूज़ करें जो कि माँ लक्ष्मी की ऊर्जा से कनेक्ट करती हो, तो आपका शुक्र सही होगा। आपके शुक्र के कारण ही आपकी किडनी में प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, डायलिसिस वगैरह मुझे दिख रहा है जो कि बहुत पेनफुल दिख रहा है मुझे। सो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे लेकिन कुछ लोगों के साथ ज़रूर है। हेल्थ ऐसी है जहाँ पर मुझे थोड़ा सा दिक्कत दिख रहा है, किसी के मुझे टूथेक भी दिख रहा है, दांत में दर्द दिख रहा है बहुत ज़ोरों से, जिसके चलते आप बहुत दिन से परेशान हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सो यस, तो ये मुझे आपके पूर्वजों से आता दिख रहा है। सो जो भी है ना, थोड़ा सा आपको अपने से ट्रीटमेंट करना होगा, या तो फिर अपनी ब्लड लाइन को हील करें, ठीक है। ब्लड लाइन हील जब हम करते हैं ना, डीएनए हील करते हैं जब हम, तो भी जो हमारी जो प्रॉब्लम नहीं है, जो कि हमें मिल रही है विरासत में, हम कह सकते हैं विरासत में कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी पूर्वजों से मिलती आ रही है हमें, तो ये चीज़ें यहाँ कट हो जाएंगी, रुक जाएंगी, यहाँ पे नहीं मिलेंगी आपको, वो ठीक हो जाएंगी, हील होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। सो मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जनरेशन के बाद वो चीज़ें कंटिन्यू नहीं हो, इसके लिए आपको ब्लड लाइन हीलिंग या फिर डीएनए एक्टिवेशन कुछ करवाएं, अपना ये ऐसे हीलिंग करवाएं ताकि ये जो चीज़ें, ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, ये ख़त्म हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आपके खुशियों में प्रॉब्लम दिख रहा है, लाइक खुश नहीं हो पा रहे हो आप, या तो खुश नहीं हो पा रहे हो, या तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते आप बीमार हो रहे हो, या फिर मेडिकेशन में आपके बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। अबंडेंस की एनर्जी मुझे यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है, और ये इसलिए दिख रही है क्योंकि आप स्पिरिचुअल नहीं हो रहे हैं। अब आप समझिए कि क्यों मैं बोल रही हूँ कि आप स्पिरिचुअल नहीं हो रहे हैं, इसलिए आपके फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं। जब आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं होते हैं तो आपके ऐसे एरियाज ट्रिगर होते हैं, समझ रहे हो ना? यहाँ ये हो सकता है कि यहाँ ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ अपने लिए कमा रहे हैं, दान दक्षिणा नहीं करते हैं आप, अपनी कमाई का कोई हिस्सा कहीं देते नहीं हैं आप, अपने पेरेंट्स को नहीं देते हैं आप, कोई ऐसे लोग यहाँ पे हैं जिनके ऑब्स्टिकल्स, जो ब्लॉकेजेस है ना, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, या आप क्रिएट कर रहे हो। सो समझें इसको और इस ऑब्स्टिकल्स को दूर करें खुद से। अबंडेंस मुझे यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है और वो केतु की वजह से दिख रहा है, ठीक है। सो थोड़ा सा स्पिरिचुअल जब आप होंगे तो आपकी ये जो डायमेंशन है ये अलाइंड होना शुरू हो जाएंगे। सो अपने इनकम का 10%, मैं 10% बोलती हूँ, आप नहीं अगर 10% कर पा रहे हैं तो आप 5%, 2%, जितना आप सक रहे हैं, तो 10% तो देना ही चाहिए। अगर आप 10% देते हैं तो आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हट जाएंगे। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, या फिर इतना मन भी तो नहीं होता देने का किसी का सबका मन नहीं होता देने का, सो अगर आपका नहीं मन है देने का तो कम से कम कुछ ज़रूर दें, ठीक है। अपने पेरेंट्स को ज़रूर देना चाहिए आपको अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, चाहे वो कितने भी फाइनेंशियल स्टेबल क्यों ना हो, उनका फाइनेंस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आपको अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उनको ज़रूर देना चाहिए और कुछ दान दक्षिणा करना चाहिए। ये सब अगर आप कर रहे हैं और फिर भी अगर जो चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, तो एक सबसे अच्छा आप ये कर सकते हैं कि गोल्डन और सिल्वर मिक्स्ड एक वॉच पहन लें आप, रिस्ट वॉच, जिससे कि अभी केतु और वीनस की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, बस इतना करें उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। एक स्पीड, एक ग्रोथ नहीं आ रही होगी आपके करियर में, आपके लाइफ में, आपके प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, इनकम होती भी होगी तो सेविंग्स नहीं होती होंगी, पता नहीं पैसा कहाँ उड़ जाता है, ऐसा समझ में नहीं आता है। सो ऐसी कुछ चीज़ें मुझे दिख रही है, ठीक है। जहाँ आप ट्रैवल भी करना चाह रहे हैं, मे बी अपने हेल्थ के लिए, जो कि आप नहीं कर पा रहे हैं, सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपकी कोई भी इच्छा पूरी आप नहीं कर पा रहे हो, इच्छाएँ बहुत है आपकी, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के चलते आप अपनी कोई इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल रही है, परिवार की खुशी भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ ना, दान दक्षिणा, ये चीज़ें मजाक नहीं है बिल्कुल भी। अगर किसी को लगता होगा कि मजाक है ये सब, ऐसे कैसे हो जाता है, होता है, ठीक है। सो जैसे हम कहते हैं कि जब हम ऊपर जाएंगे इस
जर्नी को ख़त्म करके जब हम ऊपर जाएंगे तो ईश्वर हमसे ये नहीं पूछेंगे कि मैंने तुम्हें इतना दिया था तुमने क्या किया, तुमने कौन से ऐशो आराम से तुमने ज़िंदगी जिया, ये नहीं पूछेंगे। मैंने तुम्हें जो दिया था तुमने उसका क्या किया, ये पूछेंगे ईश्वर, है ना। सो इसका जवाब आपको खोजना चाहिए कि आपको जो ईश्वर ने दिया है, आपको जो कैपेबल बनाया है ईश्वर ने, आप किसके लिए क्या कर रहे हो, आपने उसका क्या किया, है ना। सो कोई ऐसे इंसान जो कि अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने में कैपेबल नहीं है, वैसे लोगों को ज़रूर हेल्प करें, कुछ दान दक्षिणा करें, कुछ अपने पेरेंट्स को दें, कुछ अच्छे कर्म करें जिससे कि आपके फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स हट सके। अब मुझे यहाँ पे माउंटेन्स दिख रहे हैं, ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे, जहाँ पे आप स्टेबिलिटी को सीख कर रहे हैं। पूरी जो कहानी है ना वो स्टेबिलिटी की है इस टाइम 15 डेज में। आप कहीं ना कहीं अपनी स्टेबिलिटी को सीख कर रहे हैं, मल्टीटास्क भी आप करते मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे आप बहुत सारे काम कर रहे हैं ताकि आप एक स्टेबिलिटी तक पहुँच सकें। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है, आपकी खुशियाँ हो सकती हैं, यू नो, घर खरीदना, प्रॉपर्टी लेना, ऐसा कुछ हो सकता है जिससे कि आपको ऑब्स्टिकल्स बहुत मिल रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ ये दिख रहा है ना कि जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो ट्रिगर्स हैं। जो मैं बोल रही हूँ आप वैसे करके देखो, यू नो 41 डेज करके देखो आप। 41 डेज आपको यू नो दान दक्षिणा नहीं करना है, लेकिन महीना में एक बार जब आपकी सैलरी आपको मिलती है, महीने में एक बार आप दान दक्षिणा ज़रूर करें। अपने सैलरी का 10% ज़रूर किसी नीडी पीपल्स को दें, मंदिर में कुछ दान दक्षिणा कुछ करवाएं, कुछ अन्य क्या कहते हैं हम उसको, अन्नदान हम कहते हैं, वो करवाएं, या फिर घर पे कुछ बना ले फूड और गरीबों को बांट दे, कुछ ऐसा करें जिससे कि आपके ऑब्स्टिकल्स जो है ना, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस जो है ना, वो क्लियर हो सके, ठीक है। सो करके देखें। मुझे यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा मतभेद भी दिख रहे हैं, मे बी फैमिली मेम्बर्स में कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते दिख रहे हैं, और ये कोई प्रॉपर्टी के लिए हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो जो भी यहाँ पे है, मुझे ये ऑब्स्टिकल्स इसलिए है ताकि आप ग्रो कर पाए, इसलिए है, ठीक है। आपको स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी, आपके लिए स्टेबिलिटी वहाँ रखी है, लेकिन वो स्टेबिलिटी तक पहुँचने के लिए, वो मंजिल तक पहुँचने के लिए कुछ छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स रहेंगे ज़रूर, आपको उनको पार करके ही जाना है ताकि आप ग्रो कर पाए अपने लाइफ में, मुझे ये दिख रहा है। एकदम से कोई चीज़ अगर मिल जाएगी हाथ में हमारे ना, तो हमें वैल्यू नहीं होगी। सो आप कुछ मिल रही है ना, जिसके लिए आप लड़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, वो चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ खुशियां देंगी, मुझे ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो यहाँ पे तो सन की एनर्जी है, मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। जो भी आपके लाइफ में फेस कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली हैं, कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाला है, स्टेबिलिटी आने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली है, मुझे ये लग रहा है। और इसके लिए आपको यू नो एंजल्स गाइड कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, रिपीटेड नंबर्स, कुछ मैसेज, कुछ वीडियो का पॉपअप होना, या फिर किसी सिंक्रोनिसिटीज का होना बार बार, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जिससे कि एंजल्स आपको गाइड करते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ गाइडेंस हम देखेंगे कि क्या करना चाहिए मेरे कैप्रिकॉर्न्स को। डिवाइन प्लीज़ गाइड। क्या करना चाहिए मेरे मकर राशि वालों को, डिवाइन प्लीज़ गाइड। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। पैशन, वाओ ब्यूटीफुल। मुझे यहाँ पे कुछ पैशनेट होकर आप करते हुए दिख रहे हो, और कहीं ना कहीं आपका सोलर प्लेक्सस चक्र मुझे यहाँ पे हील होता दिख रहा है, जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, ठीक है। डेस्टिनी, प्राइड, कॉन्शियस और फॉरगिवनेस, हाँ थोड़ा सा कॉन्शियसनेस पर भी आ रहे हो ऐसा लग रहा है, जहाँ आप इतने दिन तक कॉन्शियसली अपने लाइफ को नहीं जी रहे थे, इस टाइम बहुत कॉन्शियसली अपने लाइफ को आप जियोगे, सोल कॉन्शियसनेस में अपने लाइफ को आप देखोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। क्या सरेंडर करना चाहिए मेरे मकर राशि वालों को, डिवाइन इस टाइम पे, वन मोर टाइम प्लीज। सरेंडर टू योर सोल पाथ की एनर्जी है। योर लाइफ जर्नी हैज बीन परफेक्टली डिजाइंड फॉर योर सोल्स ग्रोथ, एम्ब्रेस एवरी लेसन एंड एवरी मोमेंट। मैंने बोला ना, जो भी आपके लाइफ में आप फेस कर रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं आपको ग्रो करने में आपको हेल्प कर रही है। जब आपको खुशियाँ मिलेंगी, जब आप अपने मंजिल तक पहुँचोगे, तो आप एक्सपीरियंस्ड होके पहुँचोगे, अपने बलबूते पे पहुँचोगे, अपने यू नो अपनी क्रिएट की हुई आपकी डेस्टिनी होगी, ऐसी एनर्जी है। सो डिवाइन ये कह रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, वो सब डिज़ाइंड है, आपके लिए बनाया गया है वैसे, ताकि आप हर लेसन, हर मोमेंट से आप लेसन लेते हुए आगे बढ़ो और ग्रो करो आप, ठीक है, ऐसी ना चाहिए। सो यस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर कैप्रिकॉर्न्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से, मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।